नमस्कार साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जो आधा भारत में आता है और आधा नेपाल में। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जो आधा एक देश में आता हो और आधा दूसरे देश में, लेकिन भारत के उत्तराखंड राज्य में धारचूला नाम का एक छोटा सा शहर है जो कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पर स्थित है। ये शहर आधा नेपाल में आता है और आधा भारत में। ये शहर बहुत ही पुराना है, जिस समय भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमा नहीं हुआ करती थी। बाद में जब भारत का बॉर्डर तय हुआ तो काली नदी के भारत साइड वाला हिस्सा भारत में माना गया और काली नदी के दूसरी साइड नेपाल वाला हिस्सा नेपाल का, और तभी से ये शहर दो भागों में बट गया। इस शहर के बीच में ये जो काली नदी है इसके भारत साइड वाला हिस्सा धारचूला कहलाता है और नेपाल साइड वाला हिस्सा दारचूला कहलाता है। लेकिन यहाँ पर धारचूला और दारचूला आने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई पासपोर्ट और कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो नॉर्मली इधर से उधर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर का जिक्र मन की बात अपने प्रोग्राम में भी की थी। धारचूला में आज तक ना तो कोई विवाद हुआ है और ना ही यहाँ पर आने जाने के लिए किसी के लिए कोई प्रतिबंध लगाया गया है। ये जगह प्राचीन समय से ही एक व्यापारिक केंद्र रही है जिसमें तिब्बत, नेपाल और भारत के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे, लेकिन अब समय के साथ व्यापार थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ये उत्साह आपको यहाँ पर होने वाले जौलजीबी मेले में देखने को मिल जाएगा। धारचूला शहर से 23 किलोमीटर दूर गोरी और काली नदी का संगम होता है और वहाँ पर हर साल नवंबर के महीने में जौलजीबी का प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसमें कि आज भी तिब्बत, नेपाल और भारत के कई सारे व्यापारी यहाँ पर आते हैं और इसके आसपास के भी कई लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो ये धारचूला जगह है, यहाँ पर भारत और नेपाल दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ लेते हैं और बोल लेते हैं, और इनकी शादियाँ भी यहाँ पर नेपाल और भारत में चलती रहती हैं, मतलब इनकी रिश्तेदारी भी नेपाल और भारत में हो जाती हैं। यहाँ पर आकर जब आप यहाँ के बॉर्डर को देखेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप दो देशों के बॉर्डर पर खड़े हैं। दुनिया में अन्य कोई भी बॉर्डर हो वहाँ पे दोनों देशों की फौज जरूर होती है और काफ़ी तकड़ी चेकिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका एक कारण भारत और नेपाल के अच्छे संबंध होना भी है, जिस कारण से आज तक ना तो यहाँ पर कोई विवाद हुआ है और ना ही किसी प्रकार के दंगे। इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही दुर्गम जगह पर है। ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है जहाँ तक जाने का रास्ता भी काफ़ी कठिन है, तो इसलिए इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये जगह फेमस होती जा रही है और हिमालय की गोद में बसी ये जगह काफ़ी खूबसूरत भी है। तो जो ये जगह है धारचूला, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में बॉर्डर के पास में है, जो कि मेन हल्द्वानी से लगभग 275 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप यहाँ पे घूमना चाहें तो आप यहाँ पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने इससे पहले इस शहर का नाम सुना था तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।